नमस्कार दोस्तों, आप लोगों चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम 10 जून जो करंट अफेयर्स की बात करेंगे, स्पेशली हम 10 जून जो करंट अफेयर्स है उसी की बात करेंगे। देखिए जो रिमेनिंग 6, 7, 8 है उससे जो इम्पोर्टेंट है वो उसको कवर कर लेंगे। देखिए इसमें 10 क्वेश्चन ज़्यादा होगा क्योंकि अभी 2 दिन बाद ही आ रहा है, तो फ्रेंड्स उसकी वजह से थोड़ा ये वीडियो लंबा होगा। इसमें करीब 12 से 13 क्वेश्चन होंगे क्योंकि जो 6, 7, 8 के हैं उसको कवर करेंगे फ्रेंड्स। तो 10 जून का करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स, उसको हम पूरा डिस्कस करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए इसमें यूपीएससी को भी कवर करता है, काफ़ी ये चीज़ मैटर करने वाली है। अगर आप लोग न्यू हैं फ्रेंड्स तो मेरे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये देखिए आएगा और मैं इसको थोड़ा अच्छे से डिस्कस करूँगा इस पर। विच रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल। सुप्रीम कोर्ट के किस सेवानिवृत्त न्यायाधीश को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया दोस्तों? ये है अरुण कुमार मिश्रा जी। थोड़ा सा बात करते हैं इसमें, देखिए अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। अब देखिए इसमें क्या है, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है NHRC, ये स्टेटूरी बॉडी है। स्टेटूरी बॉडी क्या होता है फ्रेंड्स, जो कि पार्लियामेंट के थ्रू बनता है, एक्ट के द्वारा। पार्लियामेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बना होता है, जिसको अमेंडमेंट के थ्रू उसमें ऐड करते हैं। ये स्टेटूटरी बॉडी है फ्रेंड्स और ये 12 अक्टूबर 1993 को कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, फाउंड हुई थी एंड द प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट के थ्रू 1993। अब देखिए ये अरुण कुमार मिश्रा जी जो हैं रिटायर्ड चीफ जस्टिस रह चुके हैं हाई कोर्ट के, सॉरी सुप्रीम कोर्ट के। अब थोड़ा सा यहाँ चीज और डिस्कस करते हैं, देखिए इससे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्योंकि देखिए एक तो आएगा कि हाँ, अब आप देखिए सर टेन्योर की बात कर लेते हैं, टेन्योर थोड़ा सा हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, क्योंकि देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हम पॉलिटिकल सेक्शन डिस्कस करेंगे। टेन्योर कि इनका जो टेन्योर होता है फ्रेंड्स पहले क्या था, जो 1993 में था, मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। पहले 70 ईयर्स 5 ईयर, मतलब 5 साल और 70 साल तक हो सकता था। लेकिन अब क्या है कि जो 2019 में अमेंडमेंट आया था उसके थ्रू उन्होंने कर दिया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इनका टाइम, मतलब मैक्सिमम एज तो 70 ईयर रहेगा ही, मतलब उनका टेन्योर कितना होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स। पहले जो है पार्लियामेंट डिसाइड करती थी इनकी जितने भी अलाउंस और सैलरीज होती थी, अब जो है स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है अमेंडमेंट के थ्रू 2019। देखिए इनका सिलेक्शन कैसे होता है, इम्पोर्टेंट चीज़ है सिलेक्शन। देखिए सिलेक्शन के लिए 3 मेंबर कमेटी होती है जिसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, अपोजिशन लीडर होते हैं और उसके बाद चीफ जस्टिस होते हैं, तो वो सिलेक्ट करते हैं, ये अपॉइंट करते हैं इनको प्रेसिडेंट, इज अपॉइंटेड बाई द प्रेसिडेंट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाद में हम पॉलिटिकल सेक्शन में डिस्कस करेंगे और क्लियर। सेकेंड चीज़ देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये देखिए आर्टिफिशियल सन, व्हाट इज द नेम ऑफ द आर्टिफिशियल सन टेस्ट कंडक्टेड बाई द चाइना, चीन द्वारा आयोजित कृत्रिम सूर्य जिसका परीक्षण किया गया उसका नाम क्या दोस्तों, ईस्ट पूर्व, थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में देखिए ये है, ये ह्यूज एनर्जी जनरेट करता है। चाइना ने रिसेंटली दोस्तों जो है एडवांस, देखिए उसका फुल फॉर्म है एडवांस सुपर कंप्यूटिंग टोकामक ईस्ट, इसको बोलते हैं, ये जो है पीक टेम्परेचर 288 बिलियन, देखिए बिलियन ही बिलियन डिग्री फॉरेनहाइट, जो कि करीब 10 टाइम्स मोर है सूर्य, मतलब सन से, मतलब सूर्य से 10 गुना ज़्यादा, सूर्य से 10 गुना ज़्यादा, ये जो है 20 सेकंड के लिए, ध्यान दीजिएगा 20 सेकंड के लिए एनर्जी रिलीज करता है। इससे फ़ायदा क्या होता है, देखिए आर्टिफिशियल बादल को भी उन्होंने बनाया हुआ था चाइना ने, इससे फ़ायदा होगा दोस्तों कि जो रेन्यूएबल एनर्जी है, जैसे मान लीजिए कि रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं क्योंकि सन जो है अनलिमिटेड रिसोर्स होता है एनर्जी का, तो रेन्यूएबल एनर्जी जो है कंटिन्यूस मिलती रहेगी, इसके लिए चाइना एक कर। लेकिन ऐसा नहीं कि चाइना पहली कंट्री है, चाइना इज नॉट वॉन्ट, वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके पहले साउथ कोरिया भी कर चुका है। देखिए मुझे ये क्वेश्चन यूपीएससी में आता है, लेंदी तो क्वेश्चन वहाँ बन जाएगा कि चाइना वॉज द फर्स्ट कंट्री, क्या चाइना पहली कंट्री थी? नो, वहीं से आप उसको कट कर सकते हैं, डायरेक्ट पूछ सकता है ऐसे भी। तो
चाइना पहली कंट्री नहीं थी, साउथ कोरिया उसको पहले बना चुका था के स्टार के नाम से, कोरियन सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस रिसर्च रिएक्टर, जो कि 100 मिलियन डिग्री था। देखिए इससे कम था, ये भी 20 सेकेंड के आसपास था। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिए ये भी पूछ सकता है कि के स्टार मैच करने के लिए के स्टार जो है ये किससे रिलेटेड है, किस कंट्री से? ये साउथ कोरिया। उसका देखिए शुरुआत जो है सन जो ईस्ट बनाया है चाइना ने 2006 से हुआ था। अब आपको एक चीज देखिए इसमें थोड़ा सा न्यूक्लियर फ्यूजन, ये न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? देखिए फ्यूजन होता है, एक होता है फ्यूजन, ध्यान दीजिए ये साइंस का टर्म है। इसमें क्या होता है देखिए, बस थोड़ा सा एक्सप्लेन, फ्यूजन में क्या होता है दोस्तों, इसमें जो हैवी न्यूक्लियस देखिए होता है उस पर जो है स्मॉल अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्डिंग करते हैं तो ब्रेक होता है अलग अलग पार्ट से, यानी चेन रिएक्शन बनता है। लेकिन जो फ्यूजन होता है दोस्तों, जैसे हीलियम के छोटे छोटे हीलियम के पार्टिकल्स होते हैं उनको फ्यूज करके यूज करते हैं, मिलाते हैं, उसके लिए देखिए बहुत ज़्यादा ह्यूज एनर्जी चाहिए होता है, बहुत ही ज़्यादा, और ये इसी से जो सन की एनर्जी रिलीज होती है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, इसको हम बाद में साइंस का पाएगा तो एक्सप्लेन करेंगे। और देखिए इसकी स्टार्ट हुआ था दोस्तों, ये फ्रांस के द्वारा प्रोजेक्ट बना था, और इसका जो टारगेट दिया गया 2025 तक, तो जो इम्पोर्टेंट चाहिए 2025 तक, और उसमें जो प्रोजेक्ट किया था वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियर फ्यूल रिसर्च प्रोजेक्ट था जो कि फ्रांस का, उसके आधार आगे बढ़ते हैं। थर्ड ये देखिए इम्पोर्टेंट है, WHO COVID-19 वेरियंट फर्स्ट फाउंड इन इंडिया वास्तव, देखिए क्या रहा, WHO ने भारत में पहली बार पाया गया COVID-19 वेरियंट का क्या नाम दिया है दोस्तों, अल्फा एंड डेल्टा, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए अभी रिसेंट न्यूज में चल रहा था कि इंडियन वेरियंट, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, WHO नाम इसलिए देता है कि लोगों जो मतलब डिस्कशन या फिर रिसर्च में फायदा होगा, इसलिए। देखिए अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन के लिए लिहाज से। देखिए WHO अनाउंस B.1.617.1 B.1.617.2, देखिए यहाँ पे डॉट वन है डॉट टू है, बस याद रखिएगा, इसको कापा और डेल्टा नाम दिया गया है। सेकेंड चीज दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है B.1.17 जो है, ये स्ट्रिंग यूके का है, इसको देंगे अल्फा नाम, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज है B.1.17, ये यूके का है अल्फा। तो देखिए हाली कंट्रीज को अलग अलग दिया होगा, इससे क्या होता है कि जो रिसर्च होते हैं या लोगों को एक बोल चाल भाषा में या लोगों को एक वेरियंट पता चलेगा, क्योंकि किसी कंट्रीज का नाम ले सकते हैं ना कि इंडिया या चाइना वेरियंट या फिर US वेरियंट या UK वेरियंट, इसलिए ये चीज है। फिर देखिए COVID-19 जो US में वेरियंट था यूनाइटेड स्टेट का, वो एप्सिलॉन एल्टा, याद रखिएगा यूनाइटेड स्टेट का जो है एप्सिलॉन एल्टा यूनाइटेड स्टेट का है, यूके का अल्फा, एंड B.1.351 ये दोस्तों है बीटा, ये साउथ अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका का बीटा है, एंड P.1 वेरियंट है ब्राजील का गामा, और P.2 वेरियंट है जीटा, याद रखिएगा ब्राजील का गामा और जीटा है P.1 एंड P.2, ये चीज है। इस वीडियो को पॉज, ये छोटी चीजों को नोट कर सकते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में क्वेश्चन आते हैं 6 महीने साथ मिलने बाद, तो इंपॉर्टेंट है इस चीज़, क्योंकि मैचिंग में फॉलोइंग दे देगा तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है थोड़ा ट्रिकी बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए ज़्यादा लगता है कि एक्सप्लेन करने की जरूरत है, वहाँ एक्सप्लेन करते हैं। और इस थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, देखिए व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2021, देखिए विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का विषय क्या था दोस्तों, था इकोसिस्टम रिस्टोरेशन दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र बहाली। देखिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्वेश्चन आते हैं थीम से, UPSC बहुत आते हैं थीम, जितने थीम्स होते हैं डेली करंट अफेयर्स उसमें कंक्लूड कर जाते हैं। देखिए वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून को सेलिब्रेट किया था एनुअली, क्योंकि इसमें अवेयरनेस जैसे इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन से अवेयरनेस के लिए इंक्रीज के लिए, जो इस बार का थीम है दोस्तों 2021 का इको सिस्टम एंड रेस्टोरेशन, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है इसको स्टेप मनाया गया था 1972 बाय द यूनाइटेड नेशन। उसके बाद स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था ऑन द ह्यूमन एनवायरमेंट 5 to 16 1972, उसके 2 साल बाद 1974 से इसको रेगुलर मनाया गया था दोस्तों, तो 19 ऑफिशियली तो इसका 1974 से दोस्तों
और इस बार जो होस्ट कंट्री है दोस्तों पाकिस्तान है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि यही भी कन्फ्यूज कर देगा आप लोगों को, लगे ना कि क्वेश्चन अगर आता है टिक करने के लिए होस्ट कंट्री इंडिया है या कोई और, तो आप लोग उसको टिक कर सकते हैं, तो इसलिए चीज़ पता होना इस क्लिप पर, पाकिस्तान होस्ट कंट्री है, आप उसको नोट कर लीजिएगा। फिफ्थ, नासा हैज अनाउंस द सेंड वेरी टास एंड द डेविनिस, देखिए डेविनिसी एडमिशन टू विच प्लेनेट, नासा ने वेरी टास और डेविन सी आई प्लस मिशन भेजने के लिए घोषणा की, किस ग्रह पर दोस्तों, वेनस शुक्र, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन सेलेक्टेड टू मिशन, देखिए डेविन डेविन सी प्लस डीप एटमोसफियर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैस केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी दोस्तों, ये स्पेशली मेजर करेगा वहाँ का जो कंपोजिशन है, जैसे रॉक एटमोसफियर ऐसे इवॉल्व करता है, तो वो सब के बारे में डिस्कस करेगा फ्रेंड्स। वेनिटॉस जो है वेनस, आई मीन देखिए एमिसिविटी, रेडियो साइंस, इंस्टॉप टोपोग्राफी, स्पेक्ट्रोकॉपी ये करेगा सरफेस को, वहाँ की सीलोसी जो होगी, जैसे वहाँ की रॉक्स क्या है, वहाँ के क्या क्या कंपोजिशन बना है, वो डिस्कस करेगा दोनों। अब देखिए ये मिशन का जो टारगेट है 2028 to 2030, मतलब 2028 से 2030 तक। अब इसको देखिए वीनस को कहा जाता है अर्थ की सिस्टर, बहन या ट्विन, वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। और इंडिया का जो मिशन है शुक्र है, ये 2024 तक, तो ये क्वेश्चन आने का 100% चांस है, याद रखिएगा 99.99%। जो इंडिया का मिशन कौन सा है, शुक्रिया, इसका डेट अब तक है इसका प्रोजेक्ट 2024, इम्पॉर्टेंट चीज। सिक्स क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, आज का सिक्स क्वेश्चन, द हाउ मच इंडिया एम्बिशियस रिन्यूएबल एनर्जी टारगेटेड बाई 2020, 2030 तक भारत का महत्वाकांक्षी नवीनीकरण ऊर्जा लक्ष्य कितना रखा गया दोस्तों, यह 450 गीगावाट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, 450 गीगावाट है इसका टारगेट जो है 2020 है। देखिए 100 गीगावाट था दोस्तों 2022 तक था 2021, ऑलमोस्ट ही पूरा कर दिया गया है, अब जो है 450 गीगावाट से। इससे क्या होगा, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या होगी, जैसे कि थर्मल एनर्जी है और भी दूसरे टाइप की एनर्जीज हैं, उस पर डिपेंड होते हैं, तो अब इस पर रिन्यूएबल एनर्जी से एक तरीके से एनर्जी की जो क्राइसिस इंडिया में कम होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा 450 गीगावाट है और 2030 तक, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे तो इम्पोर्टेंट है कि हम देंगे फॉर्मल। देखिए मॉरिशस प्राइम मिनिस्टर पासेस अवे, मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया, उनका नाम क्या था दोस्तों, अनिरुद्ध जगन्नाथ। हम क्योंकि देखिए आप एक चीज़ देखिए, इंडियन नेम जगन्नाथ इस तरीके से, तो ये मॉरिशस के होते हैं। मॉरिशस क्या होता है कि एक तरीके से कल्चरल और लिंग्विस्टिक रिलेशनशिप इंडिया से काफ़ी मैच करता है, क्यों न्यूज़ क्यों इनको थोड़ा सा इतना वेटेज दे रहे हैं कि न्यूज में आने का, एग्जाम में आने का, क्योंकि ये इंडिया का जो सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म भूषण, उनको दिया गया था, और ये सब मतलब 91 के साल में इनका डेथ हुआ था, और सबसे जो है कंट्री के मतलब लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, 18 साल से ज़्यादा तक, और इनको मतलब मॉरिशियस के इकोनॉमिक मिराकल भी कहते हैं, ये प्रेसिडेंट के रूप में भी सर्व कर चुके 2003 से 2012 तक, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। मेन देखिए सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर जो है अंग्रेज जगन्नाथ हैं, और इंडिया का जो सेकेंड सिविलियन अवार्ड है ये दिया गया दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको याद करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन अभी काफ़ी अच्छा, ये प्रीलिम्स यूपीएससी के टाइप क्वेश्चन है, इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क इंडस वेस्ट फूड पार्क की स्थापना हाल ही में किस स्थान की गई दोस्तों, रायपुर छत्तीसगढ़, किसके द्वारा किया गया दोस्तों, इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क, क्योंकि ये कोई खास नहीं है कि 6.3 एकड़ लैंड, ये कोई मतलब नहीं, 145 पर करोड़, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। मेगा फूड पार्क जो है ये एक स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ये क्या करती है डायरेक्ट लिंकेज करती है जो से फॉर्म्स, ये मेगा फूड पार्क ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग का बहुत फ्लेक्सिबल स्कीम है, ये कलेक्शन सेंटर होती है, जैसे पास के जितने भी
एग्रो फार्मर्स या जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको लेते हैं कंज्यूमर मार्केट में, फिर वहां से उसको कंपनी थ्रू जाते हैं फ्रेंड्स। एक फूड पार्क वहां पे, मेरा फूड पार्क इम्पोर्टेंट कलेक्शन सेंटर, एक स्पेशल पर्पज व्हीकल के थ्रू बना था। और देखिए फर्स्ट टाइम इसको देखिए, ये जो कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड होता है कंपनी एक्ट 2013, यही कंफ्यूजन करता है। अगर कंपनी 2014 कर देगा तो यही गलत होता है, या कंपनी 2013 2013। अब देखिए 42, देखिए 42 फूड पार्क सेंक्शन करने का था 6 में, लेकिन अब तक टोटल 22 फूड पार्क है इंडिया में। इंडिया में टोटल कितने फूड पार्क हैं? 22। मोस्ट इम्पोर्टेंट देखिए नवा क्वेश्चन, हु हैज लॉन्च द सेफ प्रोग्राम इन द सेफ पोर्टल फॉर द एल्डरली ऑफ इंडिया, भारत के बुजुर्गों के लिए ऋषि कार्यक्रम सेफ मतलब ऋषि पोर्टल किसने लॉन्च किया गया दोस्तों? ये थावरचंद गहलोत, थावरचंद गहलोत दोस्तों। यह देखिए सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्टर है थावरचंद गहलोत, राजस्थान से। इन्होंने वर्चुअली लॉन्च किया था सॉरी। और देखिए सीज का जो फुल फॉर्म है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजीनियरिंग, ठीक है दोस्तों, इंडिया के डेली पर्सन को सपोर्ट करने के लिए लॉन्च किया गया था। ये वन स्टॉप एक्सेस है, यहाँ पे जितने भी इनको सर्विस होती है केयर प्रोवाइड किया थी करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थावरचंद गहलोत सीज लॉन्च किया था। 10th क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, विच इंडियन टीचर हैज बीन अपॉइंटेड एज द वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजर, रणजीत सिंह दीसले। इस भारतीय शिक्षा को विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार के रूप में दोस्तों रणजीत सिंह दीसले इंपॉर्टेंट, बस इसमें इतना ही एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। देखिए 11th क्वेश्चन थोड़ा इसलिए ज्यादा हो गया क्योंकि बीच में दो दिन छोटा हुआ था तो हम कवर कर लेंगे। विच न्यू स्पीसीज वाज डिस्कवर्ड इन छत्तीसगढ़, विच हैज बीन नेम्ड इंडिमस जयंती दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कौन सी नई प्रजाति की खोज की गई थी इंडिमस जयंती का नाम दिया गया दोस्तों? यह ठीक है झिंगूर, इंपॉर्टेंट चीज झिंगूर खोज की गई थी। 12th क्वेश्चन आज का बहुत इंपॉर्टेंट ईगल, ये देखिए स्पेशली मेंस के लिए भी होगा और यूपीएससी के लिए। ईगल एक्ट जो है किस कंट्री से रिलेटेड है? ईगल एक्ट हाल ही में सुर्खियों में रहा था, किस देश से संबंधित दोस्तों? अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दोस्तों। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ईगल ईगल एक्ट स्टैंड्स फॉर द इक्वल एक्सेस टू द ग्रीन कार्ड फॉर द लीगल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 2021 दोस्तों। जी बहुत अच्छा, इससे इंडियन को काफ़ी लाभ होगा क्योंकि पहले क्या था, देखिए अमेरिका में जो भी जॉब करने के लिए जाते थे इमिग्रेंट्स तो उनको 7% कैपिंग था पर कंट्रीज, 7% कैपिंग था। प्लस जो है उनको फैमिली के हिसाब से भी 7% था। इसमें कंट्रीज से अगर आते हैं किसी फैमिली से तो उनको 7%, लेकिन उसको इंक्रीज कर दिया 15% दोस्तों, और वहाँ से जो है रिस्ट्रिक्शन भी लिफ्ट कर दिया गया। इसके लिए पहले क्या था कि 9 साल तक इंतजार करना पड़ता था, और इंट्रोड्यूस कब किया गया दोस्तों? 20वीं शताब्दी में। इसलिए क्या कहते हैं छोटी कंट्रीज होती हैं उन लोगों का भी मतलब वो भी पार्टिसिपेट करें, लेकिन इससे देखिए बेनिफिट क्या होगा, इससे अमेरिका को बेनिफिट ये होगा कि जो एम्प्लाई के लिए जाना चाहते हैं बेस्ट हायरिंग के लिए से इंडिया से हो गया और जगहों से तो वो जा सकते हैं, उनके लिए कोई कॉर्डिनेशन नहीं होगा उनको पहले। अब दूसरी चीज़ इंडिया को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि देखिए इंडिया यूएस में बहुत ज़्यादा है 75% के आसपास एम्प्लॉयमेंट है, तो इस वजह से इंडिया को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये चीज़ें फ्रेंड्स देखिए जी आज का टोटल है 10th जून का करंट अफेयर्स है। स्पेशली इसमें हमने 6, 7, 8 का भी डिस्कस किया है, बीच में जो भी क्वेश्चन कुछ बचे हुए जो कि नेक्स्ट 11th का आएगा फ्रेंड्स उस हम डिस्कस कर लेंगे। हम दोस्तों सैटरडे मैं सैटरडे को लाइव आने वाला हूँ, आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें, सैटरडे को लाइव आऊँगा तो जो मई का करंट अफेयर्स है उसमें 2 पार्ट में टॉप 60-50 क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे, पूरा से आप लोग कवर हो जाएंगे। क्योंकि देखिए मेरा डेली करंट अफेयर्स चलेगा ही, मंथली करंट अफेयर्स भी आएगा, वीकली भी आएगा, देन उसके बाद दोस्तों इससे आप लोगों को रिविजन काफ़ी हो जाएगा। हिंदू का मैं एनालिसिस लाने वाला हूँ हिंदू का। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।